नगरी के बारे में मेरा कहना, अयोध्या दिल से और तन से मन से, और जो मैंने 22 तारीख को भव्य नजारा देखा टीवी लाइव से, वो मेरे जीवन की दूसरी दिवाली मैंने मनाई है। अपने जीवन काल में दूसरी दिवाली मैंने मनाई है एक साल के अंदर। इससे मैं बहुत अद्भुत और खुश हूँ और प्रसन्न हूँ। और मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग समय निकाल कर एक बार अयोध्या नगरी का दर्शन करें, आकर उसको भव्य है और भव्य बनाए दर्शन करके। रामलला की मूर्ति देखी आपने अभी तक, गए यहाँ से दर्शन करने? अभी मैंने सिर्फ सरयू स्नान किया है, अब मैं 11:30 बजे मुझको टाइम मिला है जो मैं राम दरबार के दर्शन करूंगा। सरयू स्नान कर लिया? जी। सरयू स्नान कैसा रहा? सरयू स्नान, हाँ पानी तो ठंडा था ही, लेकिन जब पानी के अंदर थे तो वो ठंडकपन सब दूर हो गए स्नान करने के बाद। भक्ति में सब कुछ चलेगा? सब कुछ। नाम बता जी। मानसु गुप्ता हमारा नाम है, राष्ट्रीय विधायक दल से कानपुर महानगर का अध्यक्ष हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य, 500 वर्षों से हम लोग तड़प रहे थे, हम लोगों 7 पीढ़ियां बलिदान हो गई हैं। जो बाबर के ढांचा बना हुआ था, आज भगवान राम का भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है, बहुत ही सुंदर अनुभव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। मूर्ति हम लोगों ने टीवी पे देखी है, कैसी मूर्ति लग रही है? अभी तक दर्शन करने गए आप? अभी तक दर्शन नहीं हुए, अब यहाँ से दर्शन करने ही जा रहे हैं सरयू स्नान के उपरांत। मूर्ति जो हम लोग फोटो में देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है साक्षात हमारे सामने वाल स्वरूप में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम विराजमान है। बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ करने वाला, लोगों को हम अपने परिवार में देख रहे हैं, लोगों को मूर्ति देख के रोना आ रहा है, बहुत ही सुंदर अनुभव कर रहे हैं। हम लोग कल रात में 2 बस लेके कानपुर से अयोध्या के लिए आए हुए, डॉक्टर प्रवीण दोगड़िया के आह्वान पर। सबसे पहली तारीख 24 जून हमारे संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल को प्रवीण दोगड़िया जी के नेतृत्व में दर्शन के लिए दी गई है। सर विनीत नाम है मेरा। विनीत कहाँ से आया? सर मैं कानपुर से आया हूँ जी। भाई कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? इस समय तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, क्योंकि मैं हर बार आता हूँ, इस बार में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया है। और भी हम लोग अपने राजा राम के राजमहल को देखेंगे जाकर, तो वो दृश्य ही अलग होगा, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। मूर्ति टीवी पे देखी है, लेकिन अब जब तक सामने से दर्शन होंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी इस मन को। हाँ लगा यार, लगा के आए हैं डुबकी सब लोग, भाई लोग सब लोग लगा के आए हैं डुबकी। इतना ठंडा पानी होते हुए भी कोई ऐसा नहीं है जिसने शायद ही ना लगाई हो।